और इधर आरजेडी वाले इतनी चर्चा चल रही है मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, ये आपके वोट की ताकत है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है ना, वो आपके उस वोट का परिणाम है। आज भी इतनी विशाल संख्या में आप यहां आए हैं, मैं देख रहा हूं जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा बाहर धूप में दिख रहे हैं मुझे। ये इस बात का प्रमाण है कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था, लेकिन नीतीश जी, जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी मेहनत करके बिहार को बाहर निकाला है। अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है, तो बिहार के तेज विकास के अभी यही समय है। साथियों, आज हम देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन जैसी नई ट्रेनें चला रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भर नहीं है। आज हम पटरी से लेकर ट्रेन के इंजन और डिब्बे तक भारत में ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दुनिया के और देशों में, विदेशों में भी बेच रहे हैं। इससे आने वाले समय
समय में बिहार के रेल कारखानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हम भारत को दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। इसके लिए आने वाले 5 साल में मिशन मोड पर काम होगा। ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मोड़े है संतुष्टिकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए, जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी। हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा, और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमने गरीबों के पक्के घर बनाए, वो भी माताओं बहनों के नाम किए। लेकिन इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर लगा रहा है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वो देश भर में, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिलकत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है,
हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं और स्त्री धन तो हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। यानी आप अपनी पूरी संपत्ति, आज तो आपके पास जो भी है, मरते समय आप अपने बच्चों को दे देते हैं। कोई लिख करके जाता है या मरने के बाद उनके बच्चों को मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेके आई है, कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत खलियान घर दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। यानी आपके पास गांव में चार कमरों का घर है तो आपके बाद आपकी संतान को चार कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, उसमें से दो कमरे वो हड़प कर लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 बीघा जमीन आप वारसे में विरासत में अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, 5 बीघा जमीन आपको बच्चों को देनी है, 5 बीघा सरकार में जमा करनी है। ऐसा भयानक विचार लेकर के ये इंडी गठबंधन के लोग आए हैं। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है।
एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है।